नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूँ पूजा त्रिपाठी और अब आपको फटाफट से बताते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। तो शुरुआत पहले मार्केट की न्यूज खबर के साथ करते हैं। आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में मजबूती थी और ये 10,800 के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में काफी दबाव देखने को मिला। निफ्टी जैसे जैसे आज 10,700 के स्तर को होल्ड किया और आखिर में निफ्टी करीब 20 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो आज फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। इंडिया विक्स की बात करें तो वहां करीब 5% की तेजी आई और बाजार के जानकार सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल में तेजी नहीं रही तो बाजार में मोमेंटम बरकरार रहेगा। ऑटो नंबर्स ठीक ठाक है, बाय एंड लार्ज इकोनॉमी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सिर्फ दो चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और मॉनसून पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ा और मॉनसून ठीक ठाक रहा तो इंडियन मार्केट में मोमेंटम बरकरार रहेगा। हाँ, शायद अप्रैल जैसा इतना बड़ा मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट ना देखने को मिले, पर स्टेडी एंड स्लो ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा मई महीने में भी। और सेक्टर की बात करें तो आज दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी तेज गिरावट रही। स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा मेटल और सरकारी बैंकों के इंडेक्स में गिरावट रही। मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटा, वहीं सरकारी बैंकों का इंडेक्स करीब 3% गिरकर बंद हुआ। आईटी और रियल्टी इंडेक्स में भी आज काफी दबाव रहा। प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी में हल्की खरीदारी रही। आईआईएफएल के संजीव भसीन का कहना है कि एबी कैपिटल, एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग निवेश के लिए पसंद। एनबीएफसी स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स बहुत पसंद है, हम अभी भी राय देंगे। आदित्य बिरला कैपिटल इज वन अदर वर्टिकल, बट यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग, एचडीएफसी, एलआईसी और बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स में आप मौका मत छूटिए। ये आउट परफॉर्म है, लेकिन ये यहाँ से भी आपको 15-20% का उछाल दे सकते हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ। और आज वायदा बाजार में काफी हलचल देखने को मिली। आज 11,000 और 10,900 के कॉल में बिकवाली रही, वहीं 10,500 के पुट में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। वायदा बाजार में आज सबसे ज्यादा पीसी ज्वेलर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, रैमको होम फाइनेंस, जस्ट डायल में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं इक्विटास, कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। और नतीजों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक पर कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और लक्ष्य 1210 से बढ़ाकर 1360 का प्रति शेयर का कर दिया है। वहीं सिटी ने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी और लक्ष्य 1230 से बढ़ाकर 1430 का किया है, जबकि नमूरा ने खरीदारी की सलाह के साथ 1400 का शेयर का लक्ष्य दिया है। और नतीजों के बाद एचडीएफसी पर भी ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट आई है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, वहीं क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म 250 का लक्ष्य दिया। बाजार बंद होने के करीब एक घंटे पहले हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आए। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 718 करोड़ से बढ़कर 966 करोड़ हो गया। वहीं आय करीब 7,400 करोड़ से बढ़कर 8,564 करोड़ हो गई है। अन्य आय की बात करें तो वो भी 118 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। वहीं कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 23% रही है। साथ ही कंपनी ने 40 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया। कंपनी का तीसरी तिमाही में मार्जिन 13% से बढ़कर 17% हो गया। आज सुबह बाजार खुलने से थोड़ी देर पहले एचसीएल टेक के भी नतीजे आए। चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे। कंपनी का मुनाफा 2,075 करोड़ से बढ़कर 2,230 करोड़ हो गया है। वहीं आय की बात करें तो ये 12,809 करोड़ से बढ़कर 13,180 करोड़ हो गया है। एबिट करीब 2,358 करोड़ से बढ़कर 25,090 करोड़ के आसपास हुई और एबिट मार्जिन भी करीब 18% बढ़कर 19.7% हो गया है। FY19 के लिए कंपनी का मार्जिन गाइडेंस 19.5 से 20.5% पर ही है। वहीं FY19 के लिए डॉलर आई गाइडेंस 10.5 से 12.5% के बीच रही। कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया।
कल वेदांता के नतीजे आएंगे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक कंपनी का मुनाफा करीब 8% घट सकता है, जबकि कंपनी की आय 10% बढ़ने का अनुमान है। एल्यूमिनियम एबिटा में 16% की बढ़त संभव है, वहीं जिंक से आय में गिरावट आ सकती है, जबकि कॉपर में गिरावट से मार्जिन पर दबाव दिख सकता है। तेल गैस सेगमेंट से आय 30% तक बढ़ने का अनुमान है, साथ ही अन्य आय 35% तक गिरने से मुनाफे पर दबाव दिख सकता है। कल आएंगे अदानी पोर्ट के चौथी तिमाही के नतीजे और जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक कंपनी के मुनाफे में 19% की गिरावट की आशंका है, जबकि कार्गो वॉल्यूम 18% तक बढ़ने का अनुमान है। धर्मा कटुपली पोर्ट से आय में योगदान पर नजर रहेगी और कुल खर्च बढ़ने से मार्जिन पर दबाव रह सकता है। अप्रैल में टू व्हीलर कंपनियों की बिक्री के आंकड़े बेहतर रहे हैं। बजाज ऑटो की कुल बिक्री 26% बढ़कर 4,15,000 यूनिट रही, वहीं एक्सपोर्ट 22% बढ़कर लगभग 2,00,000 यूनिट हो गई है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहां बिक्री करीब 80% से ज्यादा बढ़ी और कंपनी के अप्रैल में मोटरसाइकिल बिक्री 19% बढ़ी। वहीं दूसरी टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर्स की अप्रैल में कुल बिक्री 24% बढ़ी है और अप्रैल में टू व्हीलर्स बिक्री करीब 22% बढ़कर करीब 3,00,000 यूनिट रही। अप्रैल में फोर व्हीलर कंपनियों के बिक्री बेहतर रही है। अशोक लेलैंड की बिक्री 79% बढ़कर करीब 12,670 यूनिट हो गई। वहीं एमएचसीवी की बिक्री की बात करें तो वहां पर 98% बढ़कर 8,966 यूनिट और एलसीवी की बिक्री 45% बढ़कर 3,709 यूनिट हो गई है। देश की दिग्गज फोर व्हीलर कंपनी मारुति की बिक्री में भी 15% की बढ़त देखने को मिली और घरेलू बिक्री में 14% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो 19% बढ़कर 8,008 यूनिट रही है। एम&एम की बिक्री में भी 22% की बढ़त देखने को मिली और पैसेंजर व्हीकल बिक्री में 13% की बढ़त हुई है। और अप्रैल में आयशर मोटर्स की बिक्री की बात करें तो वहां पर 27% की बढ़त देखने को मिली और टाटा मोटर्स की कमर्शियल वाहनों की बिक्री में भी 126% की बढ़त देखी गई। और श्नाइडर इलेक्ट्रिक में आज के कारोबार में जोरदार तेजी देखने को मिली और शेयर 10% से ज्यादा चढ़ा। कंपनी ने एलएनटी के साथ इलेक्ट्रिकल यूनिट खरीदने के लिए किया करार और इस खबर की वजह से ही शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी कुल 14,000 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदेगी। टेमसेक के साथ मिलकर ये हिस्सेदारी खरीदने की योजना है और इलेक्ट्रिकल कारोबार में श्नाइडर की 65% हिस्सेदारी होगी। इलेक्ट्रिकल कारोबार में टेमसेक की 35% हिस्सेदारी और इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन कारोबार बेचेगी। एलएनटी स्नाइडर के साथ 14,000 करोड़ रुपए की हुई नकद डील 18 महीने में पूरी होने का अनुमान है। फोर्टिस को खरीदने के जंग अब और तेज हो गई है। अभी तक कुल 5 कंपनियों ने फोर्टिस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इन्हीं 5 कंपनियों में से 2 कंपनी मलेशिया की IHH और मुंजाल बर्मन ने अपने अपने ऑफर के दाम बढ़ा दिए। नए ऑफर में IHH ने ₹175 प्रति शेयर का रिवाइज्ड ऑफर दिया है और कंपनियां 10 मई तक बोलियां लगा सकती हैं। वहीं आज IHH ने कहा कि 15 मई तक फोर्टिस से कोई जवाब नहीं मिला तो वो बोली वापस ले लेंगे। और देश की दिग्गज FMCG कंपनी HUL ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए। HUL ने कंपनी के डिटर्जेंट के दाम बढ़ाए हैं और दिल्ली को छोड़ सभी राज्यों में ये दाम बढ़ा दिए गए हैं। कंपनी ने व्हील पाउडर के दाम करीब 4% बढ़ाए और जबकि सिर्फ एक्सेल के दाम 11% बढ़ाए। और सिप्ला के शेयर में भी आज दिन भर मजबूती देखने को मिली है। कंपनी के 2 दवाओं के जेनरिक को आज USFDA से मंजूरी मिल गई है और कंपनी के जेनरिक के लिए अंतिम मंजूरी मिली है। यूएस में वास्कुलप के $5.6 करोड़ का कारोबार है। इसके अलावा एरोमेसिन के जेनरिक के लिए भी अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 6 विदेशी शाखाओं को बंद करने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी अखबार DNA की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 2019 तक इन सभी 6 शाखाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसमें चीन, श्रीलंका, ओमान, सऊदी अरब, फ्रांस और बोत्सवाना की शाखाएं हैं।
और कैबिनेट ने आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। गन्ना किसानों से बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने 55 रुपए प्रति टन सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। जी बिजनेस ने सोमवार को ये खबर बता दी थी कि सरकार गन्ना किसानों को राहत दे सकती है। और पहली बार किसी महीने में 1,00,000 करोड़ के पार हुआ है जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल में कुल 1,03,000 करोड़ जमा हुए हैं और इसमें राज्यों से जीएसटी कलेक्शन यानी एसजीएसटी 25,704 करोड़ रुपए हुए हैं और सीजीएसटी कलेक्शन करीब 18,652 करोड़ रुपए हुए और इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन यानी कि आईजीएसटी करीब 50,000 करोड़ रुपए रहा है। अब आप फ्लाइट के दौरान मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। फोन को फ्लाइट मोड में डालने की जरूरत नहीं होगी। फ्लाइट में इंटरनेट टेलीफोनी के जरिए बात कर सकेंगे और फिलहाल ये सेवाएं शुरू करने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। और कच्चे तेल में आज यह तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $73.5 के ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं WTI क्रूड $68 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध की संभावना से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। 12 मई तक इस पर अमेरिका फैसला ले सकता है। मंगलवार की गिरावट के बाद आज सोने चांदी में रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर सोना 31,000 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है और चांदी में आज तेजी ज्यादा है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 400 रुपए की तेजी के साथ करीब 40,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रही है और गिरावट पर खरीदारी से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और बुलियन मार्केट की बात करें तो आज फेड के फैसले पर नजर होगी। आज फेड ब्याज दरों पर फैसला लेगा। चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का और किस तरह का एक्शन है ये बताने के लिए मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय बताइए। शुक्रिया पूजा। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो गोल्ड में आज शुरुआती दौर से ही एक तेजी का माहौल बना हुआ दिख रहा है और एग्री मार्केट में आखिरी घंटे का ट्रेड बचा है, लेकिन ग्वार की कीमतों में गिरावट है। करीब 24 रुपए नीचे है वायदा बाजार में ग्वार सीड का भाव और ग्वार गम की कीमतों पर भी गिरावट यहाँ पर जारी है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के इस पर बातचीत के लिए। अनुज, क्या आज के कारोबार में अगले एक घंटे में ग्वार सीड में और ग्वार गम में आपको लगता है कि गिरावट और बढ़ेगी? अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो दोनों ही कमोडिटी ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी हैं और हमने मॉर्निंग में देखा था मार्केट लो बनाकर बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिया। मुझे लगता है कि अब इन लेवल्स पर जो मार्केट है वो स्थिर रहेगी क्योंकि ओवरसोल्ड में तो ज्यादा सेलिंग आपको हमें लगता है कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि एक बाउंस बैक दोनों ही कमोडिटी में देखने को मिले। कितना बाउंस बैक? देखिए करंटली ग्वार गम करीबन 8,310 के अराउंड चल रहा है। हमें लगता है कि ऊपर करीबन 8,450-8,500 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं और ग्वार सीड में करीबन 3,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, आरएम सीड मस्टर्ड सीड में और जीरे के ऊपर इन दो काउंटर में क्या कॉल होगी आपकी? देखिए आरएम सीड के अंदर जो ट्रेंड है अभी डाउन है। मुझे लगता है कि आरएम सीड के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो बिकवाली का रहेगा। उसमें एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 3,700-3,670 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आरएम सीड बिकवाली कर सकते हैं। जीरे के अंदर हमें लगता है कि थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा तो जीरे के अंदर बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर करीबन 16,300 तक एक या दो दिन में देखने को मिल सकता है। और गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए क्या करना चाहिए? आज फेड का फैसला भी आना है ब्याज दरों पर, हालांकि इस बैठक में दरें बढ़ने की संभावना बेहद कम है, फिर भी अगर उससे पहले ट्रेड करना हो गोल्ड में और सिल्वर में तो क्या करना चाहिए? देखिए गोल्ड सिल्वर में अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ट्रेंड डाउन हुआ है क्योंकि गोल्ड $1,320 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे फिर गोल्ड सिल्वर में बिकवाली करके ही ट्रेड करना चाहिए। गोल्ड में एक्सपेक्टेड है नीचे करीबन 3,750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और सिल्वर में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 38,700 रुपए तक देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर ट्रेड करने का मौका बन रहा है।